हेलो एवरीवन, लास्ट हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसमें हमने इक्वेशन से उसके जीरोस फाइंड आउट किए थे। अब ये वाला क्वेश्चन जस्ट अपोजिट है, हमें जीरोस गिवन है तो हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स सी हाउ टू डू क्वेश्चन नंबर सेकंड। एग्जाम्पल 4 को एक्सप्लेन करके उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, तो बाकी के क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, वो आपको खुद से करने होंगे। मैं ये एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करूंगी। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हू जीरो आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली, जिसके प्रोडक्ट और जो सम है वो आपको गिवन है। तो पहले फर्स्ट सम लिखा हुआ है, तो -3 क्या है, इसका सम है। बाद में प्रोडक्ट है, तो 2 क्या है, इसका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम फॉर्मूला देखते आए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे इसको। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, ax2 + bx / c। और ये फॉर्मूले हमने पढ़े थे कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस कोफिशियंट ऑफ x अपॉन में कोफिशियंट ऑफ x2, जिसको -b/a भी लिखते हैं हम, बिकॉज जो x का कोफिशियंट है वो क्या है, b है, और x2 का कोफिशियंट क्या है, यहाँ पर a है। इसी तरह जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किया था वो हमने कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ x2 से सॉल्व किया था। तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर c है, और कोफिशियंट ऑफ x2 क्या है, यहाँ पर a है। तो अब हम इस फॉर्मूले से जो हमें आंसर गिवन है, जो वैल्यूज गिवन है, उनको कंपेयर कर लेते हैं। ये तो हमें गिवन है कि ये सम है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो हम सम के इक्वल तो इसको रख देंगे, -3 किसके इक्वल है, -b/a के, बिकॉज ये तो क्या है, सम है। ठीक है, और प्रोडक्ट में क्या करेंगे, प्रोडक्ट के इक्वल रख देंगे इसको। तो प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है हमें, -2 है, और फॉर्मूला क्या है उसका, c/a। अपॉन में कुछ भी नहीं होता, इट मीन्स क्या होता है, 1 होता है। अब जो b की वैल्यू है उसको आप कंपेयर कर सकते हो, कितनी है, 3 है। a की वैल्यू दोनों जगह क्या है, 1 है, और c की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, तो आपकी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, b की वैल्यू कितनी है, 3। -3 नहीं है क्योंकि -b की वैल्यू -3 है, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो अब इस वैल्यू को हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करना है और हमें इक्वेशन फॉर्मेट बनाना है। सो ax2 + bx + c, यहाँ पे हमें बस a b c की वैल्यूज पुट करनी है। a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 को पुट नहीं करते तो x2 आ जाएगा, प्लस b की जगह पर 3, और ये x एज इट इज, और c की वैल्यू 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसी तरह के आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है उसके सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से होंगे।